पटना पुलिस ने देश भर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह द्वारा वारदात करने का तरीका काफी अनोखा है, जिसे समझने और आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की कई टीमों को 10 से 12 दिनों तक कड़ी मशक्कत करना पड़ी थी। वारदातों के सिलसिले में सीआरपीएफ से बर्खास्त जवान गिरफ्त में आ गया है, जो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। इस बदमाश के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के दो शातिर चोर भी शामिल बताए गए हैं। इन आरोपियों ने कुरुक्षेत्र से लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद तक वारदातों को अंजाम दिया है। खास बात यह है कि आरोपी किराए पर कार और मोटरसाइकिल लेते थे। यही तरीका गुना की भगत सिंह कॉलोनी में की गई वारदात के दौरान अपनाया गया था, लेकिन गुना पुलिस अपराधियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई और उन्हें पकड़कर ही दम लिया। ये गुना जिले के भगत सिंह कॉलोनी में एक चोरी हुई थी, जिसमें कि दिन के समय वो चोरी की गई थी। ताला तोड़कर अंदर से आभूषण और पैसे ले जाए गए थे। इस प्रकार की वारदात सामने आई थी। पूर्व में भी कुछ चोरी हुई थी, जिसमें कि कुछ ऐसे हमारे पास फुटेज थे। ये चोरी की वारदात होने पर हम इसके इन्वेस्टिगेशन में गए। इसमें हमने देखा तो कुछ हमें लोकल स्तर का कनेक्शन या स्थानीय बदमाशों के द्वारा किए जाने जैसी कोई स्थिति समझ में नहीं आई। बहुत ज़्यादा गहराई पे जाने पर हमें कुछ हमारे जो तकनीकी माध्यम हैं उनके माध्यमों से हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई जिससे कि इनका हमें पता चला। इनके हमें बड़े क्लियर कट फुटेज मिले और मोबाइल कनेक्शन वगैरह भी हमने चेक किए। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी जो तरीका वारदात है वो इस तरह से रहता है कि ये पंजाब के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ से एक मोटरसाइकिल और एक कार लेके चलते हैं और किसी भी शहर में जहाँ वारदात करना होता है वहाँ बाईपास पर बाहर आउटर में कार से मोटरसाइकिल में शिफ्ट होते हैं दो लोग। वो किसी भी शहर में अंदर जाते हैं, वहाँ पे सूना मकान या ताला लगा हुआ मकान को देखते हैं। ताला तोड़ने, इसमें एक आरोपी जो मेरठ का है वो ताला तोड़ने का ही काम करता है, परफेक्ट है उसमें। वो फटाफट ताला तोड़ के और अपना माल इकट्ठा करके और वहाँ से फिर वापस उस गाड़ी में शिफ्ट होकर निकल जाते हैं। मोटरसाइकिल वाला जो लाते हैं उसको पर डे का 2000 रुपये पर डे दिया जाता है। और जिस भी शहर में जा रहे हैं, जैसे पंजाब से ये लोग इस समय रवाना होके और औरंगाबाद तक गए थे, गुना होते हुए, गुना से इंदौर देवास होते हुए औरंगाबाद तक गए थे, वहाँ से फिर वापस आके और ये कुरुक्षेत्र गए। हमने पूरा ट्रैक किया, यहाँ से लेके औरंगाबाद तक ट्रैक किया, वापस आके कुरुक्षेत्र तक ट्रैक किया। उसके बाद लगातार हमारी टीमें इनके पीछे लगी रहीं। ये वहाँ से अपनी अय्याशी के लिए दिल्ली तक गए, दिल्ली से वापस आए कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की फिर एक होटल में इनका क्लू हमको मिल गया था, वहाँ से भी ये निकल गए थे। उसके बाद भी इनको लगातार ट्रैक किया जाता रहा और उसके पश्चात ही ग्वालियर से और गुना की तरफ आते हुए यहाँ पर बीच में एक होटल के पास इनको पकड़ लिया गया। इसमें हमारी साइबर की टीम, इसके अतिरिक्त यहाँ थाने की टीम, कैंट थाने की टीम और विशेष टीमें इसमें हमने लगाई थी, जिन्होंने लगभग ये मान के चली कि 10 से 12 दिन बहुत मेहनत की है और यहाँ से लेके औरंगाबाद तक, उसके अलावा कुरुक्षेत्र तक लगातार इसमें पतारसी करके इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। एक आरोपी हमने पकड़ लिया है, ये सीआरपीएफ का बर्खास्त जवान है, सीआरपीएफ में नौकरी करता था। अफीम के केस में ये कुरुक्षेत्र में बंद हुआ था, उसके बाद ये बर्खास्त हो गया था, तब से इस प्रकार की चोरी कर रहा है। एक दूसरा आरोपी मेरठ का है जिसका कि नाम अखला है और एक अन्य आरोपी परमवीर है जो कि पानीपत का रहने वाला है। इस प्रकार सोमवीर है, सोमवीर सिंह, जो कि सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। तीन आरोपी एक हमारे पास में है जिसका कि हम अभी पीआर ले रहे हैं। पीआर लेके हम ये बाकी जो दो आरोपी हैं उनको भी पकड़ेंगे। माल इससे लगभग 50% बरामद हुआ है और इसके पास एक पिस्टल मिली है, 20 राउंड मिले हैं और विभिन्न विदेशी मुद्राएं मिली हैं, करेंसी मिली है। उस बारे में अभी जब्ती करके इससे पूछताछ की जा रही है कि ये क्यों और किस प्रकार से मिली है। इसके अलावा आरोपी को न्यायालय से पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। इसके बाद कई बड़ी वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। गुना से मृदुभाषी के लिए राघवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।